আলাইকুম, নমস্কার। আমি নুসরাত জাহান রুহি জেন, লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া। কে হুকুমত ইয়ে জানতি হে কে মুসলমানো মে জো খওয়ানগি কা তনাসুব হে ও 68% জিসে লোকসভা কা রুকন মুনতখিব কিয়া গিয়া হে। সো আই এম সরি টু সে দ্যাট দ্য বিউটিফুল ফেস অফ দিস কান্ট্রি, সারে জাহান সে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা। आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा नेता है जो मुस्लिम कम्युनिटी की बात को अच्छे से रख पा रहा है? कोई भी मुस्लिम नेता मुस्लिम कम्युनिटी के एग्जैक्ट फीलिंग को रिप्रेजेंट नहीं करता। I'm from a local area. I think I can talk about local people. That's what OYZ, Akbaruddin OYZ is the only one I know. मुस्लिम के व्यू से देखे तो ऑब्वियसली मतलब हर फैक्ट को मतलब वो ये नहीं दिखता किस पार्टी से नहीं है, वो चीज़ को करता है। कोई भी मुस्लिम नेता मुस्लिम कम्युनिटी के एग्जैक्ट फीलिंग को रिप्रेजेंट नहीं करता। लोगों के अंदर ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि ओवैसी जो है रिप्रेजेंट करते हैं मुस्लिम लोगों के पूरे ख्याल को। ऐसा कुछ नहीं है, जो कोर मुस्लिम आइडियाज़ हैं उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। क्योंकि कोई अपने कौम की आवाज़ ही नहीं रख रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। अब मैं अब्दुल कलाम को तो नहीं मुस्लिम लीडर कह सकता हूँ क्योंकि वो तो देश के लिए ही थे, लेकिन ऐसा ओवैसी को लेंगे, आज़म खान को लेंगे तो आप जानती रहें क्या क्या उनके में है बदलाव। तो मैं अब सिर्फ अपनी रोटियाँ सेक रहे हैं और कुछ नहीं है। ऐसा कोई नेता नहीं है कि जो पूरा मुद्दा असली मुद्दा को उठा रहा है, मतलब जो कि विवादास्पद मुद्दा है उनको तो सब उठा रहा है, जो भी मुस्लिम नेता है ठीक से उठा रहा है, वो वैसी है ये वो सब है, लेकिन जो असली मुद्दा है जो एजुकेशन नहीं, तो असली मुद्दा भी तो विवाद में ही आता है ना, असली मुद्दा ही तो विवाद मुद्दा एजुकेशन विवाद में नहीं आना चाहिए, नहीं होता है मेरे ख्याल से जहाँ तक। वैसे मैं ऐसे सच किसी को मतलब इतना ज़्यादा सुनती नहीं हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, और अभी अभी रिसेंट में जो नुसरत जहाँ का चल रहा है मुझे लग रहा है मतलब एक अच्छा स्टेप लिया है उन्होंने, और तो बस उसी हाँ मतलब एक अच्छा स्टेप था उनका, हालांकि इंटेंशन और देखिए अभी अगर देखा जाए तो चूँकि हम हिंदुस्तान में जी रहे हैं तो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, मुझे लगता है कि जो कोई मैं जिस संसद से हूँ, मैं बिहार से हूँ, सीतामढ़ी से बिलोंग करता हूँ, तो हमारा जो नेता है वो अगर हमारे लिए काम कर रहा है तो मेरा पसंदीदा नेता होनी चाहिए, लेकिन मैं एज अ मुस्लिम मैं किसी मुसलमान को अपना पसंदीदा नेता नहीं मानता हूँ। मेरे ख्याल से अभी लोकसभा में कुछ लीडर हैं मुस्लिम लीडर हैं, उनमें मेरे ख्याल से असदुद्दीन ओवैसी हैं। मतलब बात यह है कि आदमी हकीकी मानों में कहते हैं अपोजिशन के तौर पे रूल अदा कर रहा है, तो वो तो ओवैसी हैं, और बाकी जो भी लीडर हैं, बाकी संजय सिंह भी है इसे राज्यसभा उन्होंने बयान दिया, गुलाम नबी आज़ाद है राज्यसभा में, मतलब जो अपोजिशन के मतलब सही मानों में उसके सवालों को सामना करें तो ऐसे लोग पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो। शायद जब से आज़ादी मिली है 1947 से आज तक, शायद डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के बाद शायद ही कोई ऐसा लीडर हो जो शायद मुसलमानों की कुछ भी नहीं रख पा रहा, कुछ भी नहीं रख पा रहा, कोई भी एक लीडर नहीं है हमारा। खान साहब का विट एंड ह्यूमर बहुत ही शानदार है, और मुद्दों की उनकी जो पकड़ है, जो आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी है बहुत अच्छी है। अच्छा। उसी तरीके से आप ओवैसी साहब को देखें तो जो मुद्दे हैं, जो कोर डिटेल्स हैं, लीगल एक्यूमेंट जो उनका है काफ़ी शानदार है। नहीं, बहुत सारे मुस्लिम नेता, आप गुलाम नबी आज़ाद साहब को कम तो विवेक वाले नेता नहीं कहेंगे। हामिद अंसारी साहब, हामिद अंसारी साहब तो वाइस चांसलर वगैरह भी रहे जी। और बहुत ही दानिशमंद शख्सियत हैं। मैं आज़म खान साहब को एक बहुत ही बेहतरीन ओरेटर्स में से एक मानता हूँ, ओरेटरी स्किल की वजह से भी वो AMU स्टूडेंट्स यूनियन के सेक्रेटरी भी रहे जी। और जिस वजह से वो विवाद में आ जाते हैं, दरअसल वो वजहें वाजिब नहीं होती हैं।